हेलो, अभी आपने पहले कल मैंने आपको वीडियो भेजी थी, दाल चुकाई थी और सन बनाया था। आज देखो एक बहुत अच्छी चीज बनाती हैं। देखो मेरे हाथ में क्या है, ये क्या है, ये पहचानो पहचानो पहचानो। व्हाट इज दिस थ्रेड नाउ वी गेट मोर बाइंड इट। देखिए मैं इसको अपनी उंगली पे ऐसे लपेट रही हूँ और लपेट कर इसको मैं ऐसे और फिर इसे बांध दूंगी, ठीक है। हाँ, ये काम आप अपनी मम्मा से या बड़ी दीदी से किसी से भी करा सकते हैं। अभी ऐसे बांध दिया, अब इसको ऐसे मोड़ के और कैंची से ऐसे काट देंगे। देखो मैंने ये ऐसे कैंची से काट दिया है। अब इसको मैं इसमें कलर में, देखो ये फोम है, ये देखो ये मेरे पास प्लेट है, ये फोम है और फोम में ये रेड कलर है। कौन सा कलर है? ये रेड कलर है। और ये जो मैंने बनाया था धागे का, थ्रेड का गुच्छा, इसको मैं इस पे ऐसे कलर लगाऊंगी और कलर लगाकर फिर मैं इस पे कलर करूंगी ऐसे। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बनेगा, ये देखो। फिर कलर लेंगे और फिर ऐसे कलर लगाएंगे, ऐसे कलर लगाओ। हाँ, आजकल तो वॉल पे भी ऐसे कलर बना रहे हैं, ऐसे भी लगाओ। ये देखो कितना सुंदर डिजाइन आ रहा है। बनाइए आप भी अपने अपने मम्मा से थ्रेड लीजिए, उसकी गुच्छी बनवाइए और ऐसे कलर करिए। देखिए अच्छा लग रहा है। हाँ, आप भी ऐसी बनाना, बहुत सुंदर सुंदर। जब शिशु ऐसे धागा पकड़ के और ये लगाता है तो उसकी उंगलियां जो हैं वो सक्रिय होती हैं, और अभी वो धागा पकड़ रहा है, कलर है तो उसको अच्छे लगते हैं, क्योंकि कलर उसकी शिशु को, छोटे छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी वो धागा पकड़ रहा है और यही उंगलियां जो उसको पकड़ने के लिए मदद कर रही हैं। आगे वो जब पेंसिल पकड़ेगा तो उसको पेंसिल पकड़ने में आसानी होगी, इसीलिए पहले ये कार्य कराया जाता है।